नमस्ते बच्चों, आज हम इतने ऊंचे उठो कविता के भाग तीन को पढ़ेंगे। इससे पहले के पाठ में हमने पढ़ा था कि कवि हमें वर्तमान के रूप को संवारने की बात कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमें परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, सब कुछ नया बनाना है और हमें अतीत से भी कुछ अच्छी चीजों को अपने साथ लेकर चलना है और जो बुराइयां उन्हें पीछे छोड़ देना है, ऐसा हमने पिछले भाग में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें उन बंधनों को तोड़ देना है। कौन से बंधन? बंधन मतलब जिसमें हम बंधे हुए हैं, वो बंधन है जो हम पुराने विचार, जो पुराने जमाने से हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, भेदभाव के गुण, एक दूसरे जो बुराइयों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उन सबको हमें छोड़ देना है, उन बंधनों को हमें तोड़ देना है। ताकि रुके ना चिंतन, हमारा जो गहराई से सोचने का भाव है, चिंतन का अर्थ होता है गहराई से सोचने का भाव, तो ये जो हमारा चिंतन है वो ना रुके। गति जीवन का सत्य चिरंतन, कवि ने यहाँ गति को, गति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे ही आगे बढ़ते जाना। तो कवि ने जीवन का जो सत्य है, चिरंतन, चिरंतन जो सदा से चलता आ रहा है, कवि ने गति को ही जीवन का चिरंतन कहा है। अगर हमारे जीवन में गति होगी, अगर हम विकास करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तभी हमारा जीवन जीवन के समान होगा। और अगर हमारी गति ना हो तो हमारा जीवन भी वहीं पर रुक जाएगा। इसका उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से एक नदी जो आगे की ओर बढ़ती है, जिसका पानी आगे की ओर बढ़ता हुआ बहता हुआ जाता है, तो वो अपने आसपास के जो स्थान होता है उसको सिंचित करता है, उससे हमें भी फायदा होता है और हमारे जीव जंतु भी उस पानी के पानी से पलते हैं, उन्हें फायदा होता है। मगर वो नदी अगर बहना बंद कर दे, एक जगह पर उसका पानी जमा हो जाए, तो क्या होगा? वो पानी न तो हमारे उपयोग के लिए होता है, ना ही जीव जंतुओं के लिए। तो हमारे जीवन में गति का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बलों की जितना परिवर्तन है। यहाँ कवि हमें कह रहे हैं कि हमें इतना गतिमय बनना है, इतना विकास करना है जितना परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब बदलाव, जो बदलाव आते हैं उनके साथ हमें गति करते हुए जाना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। चाह रहे हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हैं, कवि कहते हैं कि हम चाह रहे हैं इस पृथ्वी को हम स्वर्ग के समान बना दें। पृथ्वी का अर्थ है ये भूमि, ये धरा धरती, इसे हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं। क्यों कवि इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग वह स्थान होता है जहां पर किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वहां सभी लोगों को समान रूप से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। और कवि कह रहे हैं कि अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे हम धरती पर भी लाना चाहते हैं। अगर उन्हें कहीं स्वर्ग मिल भी जाए तो वो उसे इस धरती पर लाना चाहते हैं। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति की चीजें हैं, सूरज है, चांद है, चांदनी तारे, ये सब प्रतिपल, प्रतिपल का अर्थ है प्रति यानी हर क्षण, पल का अर्थ है क्षण, हर क्षण ये हमारे साथ है और ये सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। जैसे सूरज अपनी रोशनी को सब पर समान रूप से फैलाता है। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। यहाँ कवि कह रहे हैं दो कुरूप को रूप, कुरूप, कुरूप का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो सुंदर नहीं है, तो कवि उसे रूप सलोना, सुंदर रूप देने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ कुरूप का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो सुंदर नहीं है, तो कवि ने इस कुरूपता को समाज में फैली हुई बुराइयों से जोड़कर कहा है कि जो ये बुराइयां हैं, भेदभाव है जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, जिससे हमारी इस धरती का रूप कुरूप हो गया है, उसे हमें सुंदर रूप देना है। और ये सुंदर रूप कब होगा? जब ये सारी बुराइयां हमारे समाज से निकल जाएंगी। और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, हमें इतना सुंदर बनना है जितना कि आकर्षण, आकर्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज की तरफ खींचे चले जाना। इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि एक हीरा, हीरे की जो चमक होती है, उसकी चमक के लिए हम उसे देखने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमें समाज को ऐसा ही रूप देना है जिसे देखकर हर कोई उसकी ओर आने के लिए आकर्षित हो और इस धरती को हम एक स्वर्ग के समान बना दें।
अब हम इस कविता के पूरे सारांश को एक बार फिर से समझ लेंगे। इस कविता में हमने देखा कि कवि हमें कह रहे हैं कि हमें गगन के समान ऊंचा उठना है, इतना ऊंचा उठना है कि हम वहां कोई भेदभाव, कोई बुराइयों को अपने साथ ना ले जा सके और उन सारी भेदभाव बुराइयों को भुलाकर एक नए समाज का निर्माण कर सके, वर्तमान के रूप को संवार सके। और कवि हमें अतीत से भी उन पोषक चीजों को लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सहायक है और हमें गति करते हुए जाना है। कवि ने गति को ही जीवन के समान बताया है, आगे बढ़ते जाना है और विकास करते रहना है। और कवि हमें कह रहे हैं कि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाएं, क्योंकि जहां किसी से किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और हमें इस पृथ्वी को इतना सुंदर बनाना है जितना की आकर्षण है। आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।